वेलकम टू कुक विथ मालती। आज हम बनाएंगे उड़ीसा प्रसिद्ध आरसा पिठा। मैं 300 ग्राम चावल लिए हैं, इसको 12 घंटा पानी में भिगा दिए थे, अभी निकाल के पानी से निकाल दिए हैं, धो के निकाल दिए हैं। अभी इसको 45 मिनट्स के लिए फैन के नीचे सुखा दूंगी। इसको इसे 45 मिनट सुखा दूंगी, बाद में पाउडर निकालूंगी। अभी मेरा चावल 45 मिनट हो चुका है, इसको पीस के पाउडर निकाल लूंगी। पहले पाउडर निकालूंगी। अभी मैं चावल का पाउडर बना लिया है, मैं आरसा पिट्ठा बनाऊंगी। मेरा कढ़ाई में उतना पानी दिए हैं, मेरा चावल था 300 ग्राम, मैं गुड़ डालूंगी 150 ग्राम, 200-150 बीच में गुड़ डाल दूंगी। उसको मेरा हो गया, अभी गुड़ मेल्ट होने लगेगा, धीरे धीरे स्लोली मेल्ट होगा। अभी टेस्ट करेंगे मेरा गुड़ ठीक अच्छा से होगा कि नहीं होगा। वो बैठ जाएगा चॉकलेट के जैसे, तो मेरा रेडी हो गया है, चॉकलेट जैसे ऐसे बैठ गया है, मेरा पागो आ चुका है। अभी मैं धीरे धीरे मेरा राइस का पाउडर को धीरे धीरे मिला के जाऊँगी, ऐसे धीरे 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 मिला लूँगी, ऐसे धीरे 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 मिला लूँगी। गैस को अभी बंद कर दूँगी, बंद करके मिला लूँगी। जब तक पूरा अच्छा से नहीं मिलाया है तब तक मैं मिलाऊंगी, तय रहूँगी। देख सकते हैं मेरा कितना अच्छा रेडी हो गया है। सब कुछ मिला लिए हैं, अभी मैं गैस पहले बंद कर दिया, अभी ढंक गैस से उतार की 40 मिनट के लिए ढंक दूंगी, ठंडा होने के तक छोड़ दूंगी। अभी मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, मैं अभी पिठा बनाना शुरू कर दूंगी। ऐसे लिए हैं, इसको थोड़ा नीचे राशि रख दिए हैं, तिल रख दिए हैं, इसे चपटा चपटा करके पूरी जैसे ऑयल में रख दूंगी। अभी मेरा एक हो चुका है, मैं इसको इसमें दाब दूंगी, उसका ऑयल निकल जाएगा, एक एक करके निकाल दूंगी। ऐसे रख के निकाल दूंगी। अभी मेरा आरसा पिठा कितना अच्छा हुआ है, कितना सुंदर हुआ है, कितना टेस्टी है। मेरा रेसिपी की जरूर घर में ट्राई कीजिए। मेरा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्ते, वेलकम टू कुक विथ मालती। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। इसके लिए मैं मेरा फ्राई पैन लिए है, गरम हो चुका है, 2 स्पून गाय का घी डाल दूंगी। अभी मैं गाजर को ऐसे काट दिए है, इसको फ्राई करेंगे। मेरा घी गरम हो चुका है, इसको स्लोली फ्राई करेंगे। मेरा गाजर की 2-5 मिनट तक ऐसे स्लो में फ्राई करेंगे, जैसे जम नहीं जाएगा।
कलर ऐसे चेंज हो रहा है, ऐसे चेंज हो जाएगा। ऐसे 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। ऐसे बीच बीच में चलाएंगे तब तक गाजर पक भी जाएगा और थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे इसको ढक देंगे। अभी मेरा गाजर पक चुका है, मैं इसे बार बार चला दिया है, बीच बीच में चला के मेरा गाजर कितना है। तो अभी गाजर में अभी 10 ग्राम सूप डाल देंगे सुगर। ज़्यादा नहीं, 10 ग्राम सुगर डाल देंगे, इतना ही सुगर डाल देंगे। इसको अच्छा से मिला देंगे। आधा के जी गाजर सुगर 10 ग्राम, 250 ग्राम मिल्क डाल देंगे, 250 ml मिल्क डाल देंगे। इसको अच्छा से स्लो में से ml मिल्क डाल देंगे। इसको अच्छा से स्लो में से अभी मेरा यहाँ गाजर में दूध दे दिए हैं। इसे बीच बीच में ऐसे इसको चला देना है। जब दूध सूख जाएगा तब गाजर खाने के लिए हो जाएगा। अभी मेरा गाजर हलवा दूध जल गया है पूरा। गाजर कैसे कलर आ गया है, अभी गाजर का हलवा रेडी हो गया है। अभी खाने के लिए लाइक हो गया है। मेरा रेसिपी जरूर घर में ट्राई कीजिए। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।